ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दान नहीं देना चाहिए। अब बहुत सारे जातक कुछ भी उठा के दान दे देते हैं, और दान का बहुत महत्व है। दान देना अपने आप में बहुत बड़ी कला है, और दान कोई छोटा आदमी नहीं दे सकता है। छोटे बड़े से मेरा वो मतलब है कि जिसके पास शुद्ध आत्मा होती है, जिसके पास ईश्वर की अनंत कृपा होती है ना, उसी में ये भाव दान का हो सकता है। और दान अमीरी और गरीबी नहीं देखती है। जरूरी नहीं कि कोई किसी आदमी के पास धन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत बहुत ही गजब का डोनर है, वो बहुत सी चीज़ें दान करता है। बहुत से लोगों के पास बहुत धन है लेकिन उन्हें दान करना नहीं आता है। तो दान अपने आप में एक बहुत 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 इफ़ेक्ट करता है हमारे ग्रहों के ऊपर। इसलिए भूल कर भी हमें इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेट है, मतलब आप जैसे लोगों के लिए, जो बिना सोचे समझे दान कर देते हैं। क्योंकि आप तो दूसरों के लिए जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप तो चीज़ें डोनेट करने के लिए, आपके पास ये, हाँ भाई ये ले जाओ, ये चीज़ चाहिए, ठीक है ये ले जाओ। तो ये जो आपका भाव है, ये बहुत अच्छा भाव है, लेकिन इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं आप इस दान के सिलसिले में, कहीं दान के चक्कर में आपसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है। और यही गलतियां हमारे ग्रहों पर इम्पैक्ट करती है, यही गलतियां राहु, शनि, केतु, शुक्र, इन सभी ग्रहों को खराब करती है। तो मेरा निवेदन है आपसे, भूल कर भी इन चीज़ों का दान नहीं करें। वो कौन सी चीज़ें हम वीडियो में आपको आके बताएंगे, लेकिन एक निवेदन है मेरा उससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, कोई अच्छा नाम भगवान का आप ज़रूर लिखें। और चाहते हैं अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जैसे जीवन में कोई तकलीफ, परेशानी या कोई प्रश्न जो आपको परेशान कर रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, और उसके पीछे का रीज़न भी आप समझते जाएं कि वो क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है गणपति। बहुत से जातक किसी को गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं, बहुत से जातक अपने घर के गणेश जी किसी को दे देते हैं। गणेश जी कभी भी किसी को दान नहीं किए जा सकते, क्योंकि गणपति जी रिद्धि और सिद्धि के पति हैं, और रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, शुभ और लाभ के दाता हैं। तो सुख समृद्धि जो है, सुख और समृद्धि का वास होता है। तो गणपति जी को न कभी दान दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, और न ही किसी भी व्यक्ति को दिया जाते हैं। गणेश जी कभी भी नहीं दिए जाते, ये बात हमेशा याद रखना। और जाने और अनजाने में कभी ये गलती मत करना कि आप दान कर दें। दूसरा दान होता है चप्पल का। जैसे चप्पल का दान को थोड़ा सा इसे टेक्निकल तौर पर समझने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि चप्पल में शनि का वास होता है, तो हम किसी को हमारा शनि दे रहे हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि चप्पल दान कर देते हैं जब शनि खराब चलता है। तो ये उपाय भी बताते हैं बहुत सारे जातकों को कि आप चप्पल दान कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको शनि की साढ़े साथी या शनि की ढैया चल रही है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी चप्पल दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको दान करने से शनि और ख़राब होगा, शनि और ज़्यादा आपको ख़राब इम्पैक्ट देगा। हाँ, ये वहाँ हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नंगे पांव जा रहा है, उसके पास चप्पल नहीं है, और हम दे रहे हैं, एक सिचुएशन क्रिएट हुई और दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। बाकी सोच समझ कर चप्पल दान करना कि नहीं हमें चप्पल डोनेट करना, ऐसा नहीं करना है। इसे करने से शनि से कई सारी चीज़ें खराब होती हैं। तीसरा है कि बहुत सारे जातक तांबा दान करते हैं। तांबा दान आखिर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या चांडाल दोष, ये दो दोष हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करें तांबे को दान करने के लिए। मेरा निजी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि तांबा सूर्य का प्रतीक होता है, और उस तांबे को डोनेट करने से बहुत से जातकों के जीवन में बहुत सी तकलीफें सडन आई हैं। तो थोड़ा सा उस अब ये जो चीज़ें हैं, ये तो आपकी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से आप करवाएं, फिर वो चीज़ें समझें, और फिर इस पॉइंट को आप ले सकते हैं। अन्यथा आप अगर कैजुअली और नेचुरल है, अगर आपको नहीं पता अभी तक, तो आप तांबा दान किया जा सकता है। और तांबा दान करना बहुत शुभकर है, 90% तो बहुत ही शुभकर है, लेकिन ये उन्हीं कंडीशनों में जिनको काल सर्प दोष से पीड़ा है और जिनको चांडाल दोष की पीड़ा है, ये याद आप रखिएगा। गुरु चांडाल दोष से गुरु और राहु का दोनों के बीच है, लेकिन तांबा दान करने से उन दोनों के बीच जो फ्लक्चुएट है, जो चीज़ें हैं, जो उनका प्रभाव है, वो प्रभाव तुरंत परिणाम देता है। तो ये सब चीज़ें समझने की आपको आवश्यकता है। अगर ये वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। और अगर ये अच्छा लगा हो आपको, तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, जैसे कोई प्रश्न हो, कोई बाधा हो, या कोई चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत बेचैन है, परेशान है, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आएँ, अपॉइंटमेंट लें,
फिर बात करें उसका फीस लागू है दोस्तों। पहले फ्री हुआ करता था लेकिन कुछ वक्त से हमने फ्री बंद कर दिया। उसके पीछे रीज़न कई सारे निजी कारण भी है, कई सारे सार्वजनिक कारण भी है। तो आप बाकायदा हम अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, जो हमसे मदद हो पाएगी हम आपकी ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय।